तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग? आई होप कि लो बढ़ेंगे। तो ये जहाँ पे फाइट फॉर कलर वाला इवेंट आ चुका है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको बंडल मिल जाएगा। तो ये इस इवेंट को कैसे कंप्लीट करना होगा, पूरी ए टू डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो जो एंड तक देख लेना, नई टाइप का इवेंट आया हुआ, पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। बिकॉज यार कोई भी स्टेप छूट जाएगी तो बंडल वगैरह चीज़ें नहीं मिलेगी, इसलिए ध्यान से वीडियो को देख लेना। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज फ्री फायर रिलेटेड सारे अपकमिंग न्यूज और अपडेट की वीडियो में चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बैनर दिख जाएगा जिसका नाम है फाइट फॉर द कलर। तो वैसे आपको क्या करना होगा, सिंपल इस इवेंट पर क्लिक कर देने। तो वह जैसे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे जो है अभी जस्ट इवेंट आया हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे हल्का सा लोड ले रहा है। तो वैसे यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे एक स्टार्ट वाला बटन दिखेगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे पता नहीं मेरा क्यों नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट वाला बटन दिखेगा, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूट्यूब का वीडियो आएगा, तो उसको आपको कट कर देना है। यहाँ पे आपको एक यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने क्लिक किया ना, तो गाइस ऐसा कुछ आएगा। आपको सबसे पहले इसको आपको कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ पे आपको एक मतलब स्किप का ऑप्शन आएगा, स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो गाइस अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है फाइट फॉर कलर, रिस्टोर द कलर और ट्रू योर ट्रू कलर करके यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। और इसमें सबसे पहला प्राइस यहाँ पे दिया जा रहा है एक रूम कार्ड। तो सबसे पहले मैं आपको फाइट फॉर द कलर इवेंट बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पे आपको दो चीज़ें बताऊंगा। तो गाइस वीडियो जो है अभी ध्यान से देखना, ठीक है। तो जैसे आप जो फाइट फॉर द कलर में आ जाओगे, तो यहाँ पे आपको जो है ये एक नया गेम देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे आप लोग जो है इसको खेल के अपने जो होली वाले मिशन को कंप्लीट कर सकते हो। फिर आपको जो यहाँ पे पॉइंट्स मिलता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो मैं रेनबो की लाइन में यहाँ पे आ चुका, तो जिसमें कि यहाँ पे केली है। तो इसमें केली के ऊपर आपको करना है टैप। तो जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिशन प्ले एनी गेम। तो वैसे आपको क्या करना, कोई भी गेम खेलना होगा जिससे कि यहाँ पे आपको जो है एक पाथ, ठीक है, आपकी एक पाथ कंप्लीट हो जाएगी। तो वैसे आपको क्या करना होगा, और इसका रिवॉर्ड आपको जो है यहाँ पे 200 गोल्ड देखने को मिल जाएगा। तो वैसे मैं क्लेम पाथ पे क्लिक करता हूँ, तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यू हैव क्लेम द प्राइजेस ऑन दिस पाथ ऑलरेडी। तो वैसे यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे गेम नहीं खेला हुआ है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको गेम खेलना होगा। इस पाथ का जो है मैंने गेम खेल लिया है, इसलिए पे मेरे को ऐसा शो कर रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको रेड वाले पे दिखा देता हूँ। तो मैंने जैसे रेड वाले पे किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं रेड वाले पे स्विच करना चाहता हूँ। तो गाइस मैंने रेड वाले पे स्विच कर दिया। तो गाइस अभी हम देखते हैं रेड वाले में कौन से मिशन मेरे को दिए जाते हैं। तो जैसे मैं रेड वाले पे क्लिक करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रैवल 5000 मीटर इन गेम। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है 5000 मीटर में गेम में अपने को भागना है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो मिशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मेरा स्टेटस जीरो, यानी मैंने अब तक कोई भी चीज़ भागा नहीं है। मैं क्लेम पाथ करूँगा तो यहाँ पे क्लेम नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है। ओके, तो गाइस ऐसे करके यहाँ पे आपको जो सारी चीज़ों को कंप्लीट करना होगा, यानी जितने भी आपको मिशन है सब कंप्लीट करने होंगे। जैसे मैं अगर येलो पे क्लिक करूँ, तो वैसे येलो वाला जो यहाँ पे आप देख सकते हो येलो वाला नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट यहाँ पे रेनबो से लेकर रेड पे स्विच किया ना, इसलिए ये नहीं हो रहा है। तो वैसे आपको सबसे पहले कोई भी यहाँ पे एक लाइन को कंप्लीट करना है, वो लाइन कंप्लीट होने के बाद आपको दूसरा लाइन अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये सब आपका चीज़ जैसे हो जाएगा, तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है जैसे आपका रेड वाला कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो एक लेवल 8 का कार्ड मिलेगा। जैसे आपको येलो वाला कंप्लीट होगा, यहाँ पे आपको जो कैरेक्टर अवेकनिंग शार्ड मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे जो रेनबो वाला होगा, ठीक है, जो आपका रेनबो वाला है वो कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे आपको जो पंक्स्टर रनर बंडल मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आपको ब्लू वाला होगा, यहाँ पे आपको फार्मर्स का क्रेट मिल जाएगा, जो कि 5 मिलेगा। उसके बाद जैसे ग्रीन वाला होगा, तो गाइस यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 5 मैनिक MP40 का बॉक्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात रही पूरे चीज़ों की, तो अभी हम बात करेंगे बाकी चीज़ों की। बाकी चीज़ें क्या है, तो जैसे मैं इन पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डिफीट योर ओन डेमन मॉन्स्टर सर्वाइवर माइलस्टोन इज नॉट एक्चुअल। माइलस्टोन मतलब क्या है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लोबल डेमन्स प्रोसेस, यानी जितने भी अपनी इंडिया नेपाल और बांग्लादेश के अंदर बंदे हैं, उन सभी को मिलकर गेम को खेलना होगा। जैसे वो मिलकर खेलेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सर्कल टाइप सा बना हुआ है, ये पूरा कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे दो चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, तो जैसे ये माइलस्टोन रीच हो जाएंगे आपको कस्टम कार्ड मिलेगा, साथ में दोनों यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो गाइस यार होप आपको जो सारी डिटेल वीडियो जो है समझ में आ चुकी होगी। कुछ भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जरूर मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। तो गाइस अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा दो, साथ में बेल आइकन कॉल पर सेट करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।